हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाएंगे ये बहुत ही सिंपल और खूबसूरत सा ये कोस्टर, जिसे हम थालपोस भी कहते हैं। ये देखिए, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ मैंने ये बनाया है थोड़े बड़े साइज में। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है कोस्टर। लेकिन अब हम बनाएंगे इसे थोड़ा सा छोटे साइज में। ये देखिए, यहाँ मैंने तीन कलर यूज़ किया है। ये क्रीम है, ये लाइट ब्राउन है, यहाँ पे डार्क ब्राउन है। तीन कलर यूज़ किया है। और ये देखिए, ये मैंने छोटा सा बनाया है, इसे मैंने सिर्फ दो कलर यूज़ किया है। यहाँ में लाइट क्रीम है और यहाँ में ब्राउन कलर है, दो कलर यूज़ किया। ये थोड़ा सा छोटा साइज का है और ये बड़ा साइज का है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो इसे आप और साइज में बड़ा कर लें। डिजाइन का पैटर्न ये देखिए, लास्ट ट्रायल राउंड में ऐसा रहेगा। इसे आप बड़ा करते जाए अपने ज़रूरत के अनुसार। और ये जो यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है, ये सिंपल सा है, ये ऐसे ही रहेगा। आप जितना भी बड़ा डिजाइन बनाएंगे, बनाना चाहेंगे, ये इतना ही रहेगा हिसाब से। और उसके आगे आप इसे बढ़ाते जाएँ। जैसे यहाँ मैंने छोटा साइज का बनाया है और यहाँ पर मैंने ये बड़ा साइज का बनाया है। तो बड़ा साइज का बनाने के लिए आप इतना बड़ा बना सकते हैं। अब आप चलिए, अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे छोटे साइज़ का बनाऊंगी, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है क्रीम कलर, लाइट ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर मैंने लिया है 1.75 mm का क्रोशिया। तो सबसे पहले हम इसमें एक गांठ लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन बनाएंगे। तो 5 चेन ले लेंगे यहाँ पे, और ये लास्ट वाले में इसे डालेंगे। सिंगल स्टिच करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, 3, 4, टोटल हम यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसे यहाँ पे चेन के ऊपर इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसमें डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर इसके बगल में यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 16 का डबल करना है। तो हमें 16 का डबल कर लेंगे, मतलब यहाँ पे हमने 16 बनाया, यहाँ पे हम बनाएंगे 32। तो हर एक चेन में हम 2 बार डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ में हम इसे भी काउंट करेंगे, ये चेन को भी। तो ये हो गया 1, ये 2। अब इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे, इसमें मैंने 1 बार बना लिया है। अब दोबारा इसी में डालेंगे, अब ये हो गया 2। अब इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, इसमें इस चेन में डालेंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 बार 2 बार हो गया डबल क्रोशिया। तो इसे हम इसी तरह हम इसे डबल कर लेंगे। 16 बनाए थे हमने यहाँ में, अब 32 बना लेंगे यहाँ पर। इसे हम इस राउंड को कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने डबल कर लिया है, अभी यहाँ पे हो गए 32। अब इसे यहाँ पे 3 चेन के यहाँ पे इसे हम इसे जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन करना है। देखिए, मैं बताती हूँ, यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर लेंगे 1 चेन, फिर इसमें डालेंगे और बनाएंगे डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के बाद हमें इस राउंड में एक चेन लेना है,
इसी के यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बना दिया, एक चैन डबल क्रोशिया, एक चैन डबल क्रोशिया, एक चैन डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया, एक चैन, ऐसे करके इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक एक चेन लिया है, डबल हर डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन लेके इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे तीन चेन के ऊपर यहाँ पे जोड़ लेंगे इसे, अब हम यहाँ पे ले आएंगे क्रोशिया को। अब हमें क्या करना है, एक दो तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद इसी में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट वाले में इसमें आप ध्यान दें, हमें इस चेन में नहीं डालना है क्रोशिया को, हमें इसमें डालना है, इस वाले होल में डालना है। और इसमें हम देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे, दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन, यहाँ मैंने चेन लेना नहीं लेना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन डबल क्रोशिया, देखिए एक दो तीन चार हो गए डबल क्रोशिया, हर एक होल में मैंने डाला है एक एक बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे अब दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक बार एक चेन, दो बार, ये हो गया हमारे, ये देखिए डबल क्रोशिया। अब फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया, एक चेन, उसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे डबल क्रोशिया, एक चेन, देखिए एक दो तीन चार, ये देखिए चार बार डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब फिर एक चेन लेंगे, अब इसमें डालेंगे, इसमें हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक एक चेन, दो, ये चार, चार के बाद हमें डबल करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे मैंने डबल कर लिया, फिर यहाँ पे चार बार बनाया, फिर डबल कर लिया, फिर यहाँ पे हम चार बार बनाएंगे, एक इसमें डालेंगे एक बार, एक दो तीन चार, फिर इसमें दो बार डालेंगे डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें दो बार डालेंगे, ऐसे करके इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे बढ़ाना है। देखिए यहाँ में हमने 16 बनाया था, इसके यहाँ पे डबल कर लिया था, अब इस फिर हमने यहाँ पे नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक एक चेन लिया, हर डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन लेके ये थर्ड लाइन में हमने ऐसे बनाना है, इसमें यहाँ पे कोई बढ़ाना नहीं है। फिर इस लाइन में फोर्थ लाइन में हम यहाँ पे चार के बाद एक दो तीन चार के पास बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, दो बार बनाएंगे, दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। और इसके बाद वाले राउंड में मतलब 1 2 3 4 फोर के बाद हम बनाएंगे 5 वाले राउंड में। ये देखिए इसमें मैं आपको समझाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 हो गए 5 लाइन में। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बना के तब हम यहाँ पे दो बार बनाएंगे 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 के बाद हमें यहाँ पे दो बार डबल क्रोशिया करना है, इसे बढ़ाना है। 10 बार हम बना लेंगे, पहले नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चेन हम हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे, हर डबल क्रोशिया के बाद चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसे 10 बार बना लेंगे एक एक बार डाल के, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इसे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
यहाँ पे हमने फिर मैंने फिर दो बार बनाया, देखिए ऐसे यहाँ पे दो बार बनाया, फिर यहाँ पे 10 बार बनाया हमने, एक एक बार डाल के डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे फिर बनाया 2 बार ऐसे। इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले लाइन में हमें यहाँ पे 10 के बाद हमने यहाँ पे बढ़ाया था, 2 बार किया था, इसमें हम ये 8 बार बनाएंगे। पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार बना लेंगे एक एक बार डाल के, लेकिन चेन रहेगा इसमें भी। डबल क्रोशिया के बाद एक एक चेन लेंगे और इसे 8 बार बना लेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे 8 बार। ये देखिए 8 टाइम्स बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, ऐसे करके इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अब इसमें दूसरा कलर लगा के आपको दिखाती हूँ, अब इसमें हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ में डार्क ब्राउन कलर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हमें डालना है इस पीछे, ये देखिए यहाँ पे चेन बना हुआ है, चेन में नहीं डालना, इस पीछे वाले में डालना है, इस पीछे वाले जो यहाँ पे है इस होल इसमें डालना है, पीछे का साइड डालना है, आगे का साइड नहीं डालना है हमें, पीछे के साइड डालेंगे। यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 चेन लेंगे, अब हम इसको एक वाले इसको छोड़ेंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे, इस वाले चेन में डालेंगे पीछे से के साइड, और यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर हम आगे वाले जैसे हमने छोड़ा था आगे में पहले वाले में, उसमें डालेंगे अब क्रोशिया, और यहाँ पे बनाएंगे फिर से डबल क्रोशिया। फिर हम इसको स्किप करेंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले इसमें डालेंगे पीछे के साइड, और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। और फिर अब हम फिर बनाएंगे आगे वाले में, इसको हमने स्किप किया था, ये आगे वाले में इसमें डालेंगे क्रोशिया, और यहाँ पे बनाएंगे फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे डिजाइन बनते हुए जाएगा हमारा। पहले हमें बनाना है इस वाले में एक छोड़ के, इसमें बनाएंगे, इसमें बनने के बाद फिर इसमें बनाएंगे हम। तो पहले हम डालेंगे इसमें क्रोशिया को, और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम डालेंगे आगे वाले में, इसमें डालेंगे क्रोशिया, और इसमें बनाएंगे फिर हम, और फिर हम डालेंगे इसको छोड़ेंगे, इसमें डालेंगे, अब आगे के साइड डालेंगे, देखिए ये क्रॉस जैसा डिजाइन बनते हुए जाएगा हमारा। हम इसे छोड़ेंगे, इस वाले में डालेंगे पीछे के साइड, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर अब आगे के वाले में डालेंगे, ऐसे करके इस राउंड को हम यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया है, ये देखिए ये क्रॉस जैसा बनाया डिजाइन। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब हमें बनाना है फिर इसके ऊपर बनेगा और इसके ऊपर बनेगा, उसके लिए हमें 1 2 3 चेन लेना है, और इसमें डालना है पीछे के साइड जैसे मैंने अभी बनाया था, और उसके बाद फिर इस आगे वाले में डालेंगे। तो ये पीछे में डालेंगे और इसे ये बनाएंगे, ये देखिए। अब फिर हम इसको स्किप करेंगे ये वाले को, और ये वाले में डालेंगे क्रोशिया, अब इसमें डालेंगे ये वाले में,
अब इसके स्किप करेंगे, इसमें डालेंगे ऐसे ही। हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और हमें जितना लंबाई चाहिए उतना बना लेंगे, फिर उसके आगे का डिज़ाइन में बताऊंगी। इसको बना के बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए, ये हमारा बन चुका है। मैंने यहाँ पे ये सिर्फ तीन लाइन बनाए, एक दो तीन लाइन बनाए। आप इसे ज़रूरत के अनुसार इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा लगेगा। मैं बस वीडियो के लिए बना रही हूँ, ये देखिए छोटा सा बना रही हूँ मैं। इससे आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसे इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः चेन लेंगे। और हम यहाँ पे इस ये देखिए दो डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया, एक दो, इन दोनों को छोड़ के इसमें डालेंगे। फिर यहाँ पे छः चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से एक दो छोड़ के अब हमें इसमें डालना है क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो के बीच में यहाँ पे डाला, फिर दो छोड़ के फिर इसमें डाला। अब यहाँ पे फिर छः चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः चेन लेंगे, फिर एक दो छोड़ेंगे फिर इसमें डालेंगे। ऐसे हम इस राउंड को ऐसे कंप्लीट करेंगे, तीन चार पाँच छः, दो छोड़ेंगे इसमें डालेंगे, ऐसे इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे लाके जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस अपने क्रोशिया को यहाँ पे ले आएंगे। ये देखिए, अब हम एक दो चेन लेंगे बस, और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो, इसका हाइट ज़्यादा नहीं करेंगे, तीन चार पाँच छः। देखिए, छः में डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमें इसके बीच में यहाँ पे डालना है, ये देखिए छः ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे और इसे यहाँ पे सिंगल स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे फिर छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बन गए। अब इसको यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए। अब फिर यहाँ पे फिर छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए इसे इस राउंड को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे सिंगल स्टिच करके इसे जोड़ लेंगे। अपने यहाँ पे हमने छः डबल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये टू चेन छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अब छः के ऊपर छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः,
छः, ये देखिए छः के ऊपर छः बना दिया मैंने। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिंगल स्टिच करके जोड़ देंगे। अब फिर हमें यहाँ छः देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के ऊपर छः बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए छः के ऊपर छः बना दिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी छः के ऊपर छः बनाया। अब इसके ऊपर भी वैसे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए छः के ऊपर छः बनाया। ऐसे इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे यहाँ पे हम सिंगल स्टिच करके जोड़ लेंगे और थ्रेड को यहाँ पे कट कर लेंगे, इसे पीछे के साइड हाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।